मेरा मतलब है मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाने, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ भिंडी की सब्जी। ये मैंने भिंडी को कट कर लिया है, ऐसे बीच में ऐसे कट अच्छी से देख के ऐसे साफ करके इसको धो के अच्छे से पोंछ के इसको मैंने कट कर दिया है। अभी मैं इसको करूँगी फ्राई, और ये मैंने गैस में चढ़ा दिया है कढ़ाई, ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। और देखो अब इसको मैं करूँगी फ्राई, थोड़ा ये हो जाए गरम ऑयल, तो मैं तकरीबन हो गया है, अब ये डाल दूँगी मैं धनिया। अब इसको ऐसे थोड़ी देर भूनना है हमें। अभी डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी। फिर इसमें डालेंगे प्याज, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब इसमें डाल देती हूँ ये चॉप किए हुए टमाटर, और ये चॉप किए हुए टमाटर में मैंने छोटा सा अदरक, टमाटर, दो टमाटर और एक हरी मिर्च लिया था। अभी इसमें तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब यही बेसन पे हम डालेंगे मसाले हमारे। मैंने ये क्या है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पैकेट को अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला, एक से दो मिनट तक भूनेंगे। जीरे का कच्चा ऑयल छोड़ दिया है, अब शक्कर भूनना है। उसके बाद डालते हैं हमारे ये फ्राई की हुई भिंडी, ऐसे ही दो से तीन मिनट तक पकाएंगे बिना ढके। और ये हमारी भिंडी की सब्जी हो गई है रेडी। ये मेरी भिंडी की सब्जी हो गई है रेडी।